न्यूज हर समय आपके साथ। मैं हूँ आनंद कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। आइए दिखाते हैं ये खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर बॉर्डर से आ रही है। जी हाँ, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान तीनों बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों में तीनों बिल को लेकर काफी आक्रोश है। जी हाँ, बता दें आपको, किसानों ने ऐलान भी किया है कि 26 तारीख को जनपद पर किसानों के ट्रैक्टर की झांसी निकालेंगे। आइए दिखाते हैं आपको अपने संवाददाता निश्चिंत शर्मा की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं निश्चिंत शर्मा, केमास न्यूज से। आज हम फिर आए हैं गाजीपुर किसान आंदोलन में। हमारे साथ जुड़े हैं युवा नेता सुनील बालियान जी। एक बार फिर इनसे बात करते हैं। सुनील बालियान जी, जो कल की मीटिंग थी, कह रहे कल जो मीटिंग थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, मगर उसमें भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, ऐसा क्यों? मीटिंग तो जितनी भी है सारी महत्वपूर्ण ही रहे। समस्या तो एक बात की आवे, बात ही नहीं करते ना वो, जोन सी बात करने की है। जो बिल जो ये काले कानून के जो बिल आए, ये इन्हें वापसी करना था, उसे तो करते नहीं है वापसी। अपनी बतावे क्या लगा भाई, ये ले लो भाई, हमें तो जो चीज़ चाहिए ये बिल वापसी करने, वे वापसी कर लो, कोई समस्या खत्म हो जाएगी सारी की सारी। मगर जो दो काले कानून थे, जैसे इन्होंने कहा कि पराली का भी वापस ले लिया और बिजली का मुद्दा भी इन्होंने वापस ले लिया। देख, बिजली का तो अभी बाद में लाना था इन्हें, वो तो गलत, जब गलत सलत तरीके से लगा किसी चीज़ को हटानी तो पड़ेगी। वो किसानों को पहले कितने का रिचार्ज है एक महीने का? अगर हमें अपने भाइयों आपसे बात करनी ना, तो हमें कम से कम 399 का रिचार्ज कराना पड़ेगा, जबकि अदर कंपनियाँ, आपकी एयरटेल ले लो, आपकी वोडा ले लो, और जितने भी कंपनियाँ हैं उसका 149 से लेकर 250 रुपये का वही डाटा, वही सब कुछ फ्री, तो सस्ता कौन भाई? 99 आइडिया है, बहुत अच्छे 99 रुपये। यो ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आज तो हमें लग रहा है कहला बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जब ये हमारी नसों में बस जाएगा ना, जब हमने सोचा हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मर हो गए, जब हमारे गर्दन पकड़ पकड़ कर झुक कर इन्होंने BSNL को खत्म करा, इसी तरीके से हम लोगों को खत्म करने का काम। मगर ये चीज हर किसान क्यों नहीं समझ रहा आपका? नहीं, किसान तो हमारा समझ रहा, जो सारे किसान नहीं समझ रहे, वो कई किसान अभी भी कहते हैं कि मोदी कर रहा है सही। अभी अभी भाई ने, अभी भाई ने एक बात कही आपसे, मेरे हाथ में पांच उंगली, सुन भाई एक मिनट को, अभी भाई ने एक बात कही, मेरे हाथ में पांच उंगली, पांचों समान नहीं हो सकती। आपकी सोच कहीं और चल रही, वो गुड़िया भी मीडिया का काम करी, लेकिन उसकी सोच हो सका कहीं और काम कर रही हो, सबका दिमाग सेम काम नहीं कर सकता। अभी जन जागरण किया जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा, भाई एक बात एक वो बताओ, अभी चौधरी साहब ने आदेश करा, जन जागृति आंदोलन चलेगा गांव-गांव जाकर, इन्होंने भी कर लिया, अब जा अब हम भी करके देख लेंगे। बीजेपी ने किया, अब किसानों की बारी है, किसान जन किसान भाइयों तो पूछ लेंगे, बता भाई तुझे क्या लाभ लाभ हुआ, क्या जब उन्हें अधिकार है हम अधिकार नहीं। सही बात भाई, वो दिल्ली तय वहाँ गमो मजा रहे, गाँव वाले यहाँ रहे, उन्हें गाँव वाले यहाँ नहीं दिख रहे यार, ताज्जुब की बात है। इन लोगों के बीच में आकर, इन लोगों तय आकर पूछ तो लो भाई, थे क्या बीमारी, क्या प्रधानमंत्री को, मेरे गांव, आपके गांव के प्रधान को अगर आपको दिक्कत हो रही, आपके घर पर आपका मुखिया बैठा, आपके पापा, क्या उनका फर्ज नहीं बैठा, बेटे क्या दिक्कत है, बैठता है नहीं बैठता है? बिल्कुल है। तो ये जो प्रधानमंत्री हमने बनाया, ये भी हम सबके सिर पर अपने बाप समान मान गया, बाप का दर्जा दिया, भगवान का दर्जा दिया, उसे प्रधानमंत्री बना दिया। इतना अहंकार हो गया कि अपने बालकों की पूछे नहीं आ रहे, ऐसा बाप को। मैं एक सुनाना चाहता हूँ कि महाभारत में रावण को भी जरूरत पड़ी थी साथ की। भारत में रावण कहाँ से आ गया? वो राम की, हाँ, राम वाली में और रामायण में, सुने एक मिनट, मैं अनपढ़, रामायण में जरूरत पड़ी थी साथ की। रावण ने अपने भाई को जगाने की कोशिश करी, वो 6 महीने लोग का सोया रहा, उसे फिर भी जगा के युद्ध में ले गया, और उसका जो एक भाई और था विभीषण, वो राम के साथ हो गया। तो रावण तो अपने भाई को भी ले मरिया, और हमने कहा किसान भाइयों जाग जो, ना कहीं फूल खिले जी पानी नहीं आओगा, ना गंडा खिले ना फूल खिले, हमें जीना तो शांत जीना, क्यों मर के मरो तुम? आपने अभी कुछ बात जानना चाहिए, अब आप बता दो, ये इसकी बातों से आपको किसान लग रहा, मजदूर लग रहा, क्या लग रहा? भाई को याद है सच्ची कहावत, मगर डिस्टर्ब है कहने में कि बात क्या थी, लेकिन बात इसकी सच्ची है, सच्ची। यो जुमलेबाजी नहीं कर रहा, इसके यहाँ से इसमें जो है वो आपके सामने दे रहा। मतलब आपका कहने का मतलब, जो किसान, ये जो अपना विपक्ष दल और सरकार कह रही है कि खरीदे हुए, ये खरीदे हुए नहीं, ये असली किसान है, अब आप जो अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। एक और बताओ, उसने कहा वोट लेने से पहले खाते खुलवाओ जीरो बैलेंस के, 15-15 लाख मिलेंगे,
जी वही वादा नहीं पूरा होया रख गए और बांधा लग रहा मैं खुंटेगा मैं बताओ लो होगा खुंटेगा मैं कि बांधा अपने आप बन जाना वो 6,000 रुपए तो आ रहे होंगे तुम्हारे खाते में। मेरी माँ को ना मिला एक पैसा भी चल गांव में पूछ के बतम्मा एक चवन नहीं मिली वही धुआं। और सुन तो एक बात सुन 6,000 रुपए जिंदगी बड़ी नु बता दो कई किसान तो ये कहते हैं हमें 6,000 मिल रहे हैं बीजेपी बहुत बढ़िया है। अरे हमें नहीं दिया मैं बतम्मा हाथ में 4 अंगली या छोटी या इस बड़ी या सब में छोटी है तो इसमें 10 किसान तो खुश हो रहे मजे ले रहे पान खा रहे सिगरेट पी रहे खा रहे ये 90 किसान है ये दुखी क्यों ये ना कह दे बोले ना गुमराह करो और हम ऊपर तक पैकेज गिरेंगे तब जंगल में आ जाए। एक मिनट रुक जाओ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भाई सभी भाई जानते होंगे सभी के भी हाँ अगर मेरी बात गलत होगी तो मेरी जबान पकड़ लिया साथ के साथ अगर तुम असली आदमी हो असली किसान हो तो मेरी जबान पकड़ लो नहीं कोई बात नहीं। मोदी जी ने सरकार बनाने से पहले हर आदमी को जितने यहाँ युवा है सबको एक ट्रेंड लाए थे जियो लाओ फ्री सिम बटवाए थे भाई बटवाए थे सबने चलाए थे अपने अपनी पहचान जो पुरानी पहचान थी वह खत्म करी जियो को लाए मतलब के मोदी के आने की शुरुआत हो गई थी थोड़ी सी। फ्री नेटवर्क दिया पूरे महीने कॉलिंग का डाटा वाटा सब कुछ। आज जब जियो हमारे मोबाइलों में बस गया हर एक मोबाइल में फंस गया आज पता कितने का रिचार्ज है एक महीने का। अगर हमें अपने भाइयों आपसे बात करनी ना तो हमें कम से कम 399 का रिचार्ज कराना पड़ेगा जबकि अदर कंपनियां आपकी एयरटेल ले लो आपकी वोडा ले लो और जितने भी कंपनियां हैं उसका 149 से लेकर 250 रुपए का वही डाटा वही सब कुछ फ्री तो सस्ता कौन भाई 99 आइडिया है यो ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज तो हमें लग रहा है बढ़िया 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 जब ये हमारी नसों में बस जाएगा ना जब हम लोग सोचेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मर हो गए जब हमारे गर्दन पकड़ पकड़ कर झुक कर इन्होंने BSNL को खत्म करा इसी तरीके से हम लोगों को खत्म करने का काम। मगर ये चीज हर किसान क्यों नहीं समझ रहा आपका नहीं किसान तो हमारा समझ रहा जो सारे किसान नहीं समझ रहे वो कई किसान अभी भी कहते हैं कि मोदी कर रहा है सही। अभी भाई ने एक बात कही आपसे मेरे हाथ में 5 उंगली सुन भाई।